हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम पास पे। गाइस कैसे हैं आप सभी? फटाफट आ जाइए भाई सबके सब लोग। गाइस ये आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपकी डेली की डेली यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग है मेरे दोस्त। आप गाइस इन टाइमों पर लाइव रहना, इन सभी टाइम्स पर। सो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या कि सुबह दो क्लासेस होती है, सुबह 8:30 और रात के 9 बजे। एंड अच्छा, चारुल बोले नाइस बैकग्राउंड। ओके, एक मिनट। ओके या सो हाय चारुल, हेलो दीपक सर, हाय निहारिका मैम, आर्या, प्रियेश, श्रुति, स्टैनी, विवेक भाई, आर्या, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चे आ जाओ, फटाफट आ जाओ। या सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना लेट किए हुए। गाइस ये आपकी टाइमिंग है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली विवेक। सो गाइस आपको ये भी नया, ये तो आप मेरे बारे में डेली देखते ही हो, बस थोड़ा सा कलर चेंज हुआ एक्चुअली, और कुछ खास नहीं हुआ है। एंड गाइज जैसा कि हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, दो सेशन सुबह 8:30 और एक रात के 9 बजे, दोनों सेशन को ज्वाइन करो दोस्तों। और डेली करंट अफेयर डेली के डेली सुबह 8:30 ही होता है। और गाइज बैंकिंग, आपके बैंकिंग स्टैटिक और करेंट, इन तीनों टाइमिंग पर होता है, आपको पता होना चाहिए। सो इधर उधर नहीं करना है आपको, इसी टाइमिंग पर लाइव रहना है। एग्जैक्टली विवेक। हाय स्वाति मैम, स्वाति गौर, हेलो, हाय, कैसे हो बच्चे आप? हाय डॉली, हेलो, गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद दिख रहे हो। सो गाइस पहला स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है एमपी से, पहला क्वेश्चन आपका आज का। सो गाइस आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ऑफ कि ये बेस्ड है आपका किसके ऊपर। तो दोस्तों ये बेस्ड है आपका एक स्टैटिक का टॉपिक है, जो ब्रांड एम्बेसडर, जो एक क्वेश्चन आना तय है। हाय निधि, हाय संगू, गुड इवनिंग बच्चे। संगू कैसा रहा सुबह? तो दिखाई नहीं देता भाई तू तो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है। हाय शास्त्री और सवनम, और यहाँ पे सबका जवाब भी आना चला, वो शुरू हो गया। चेतन भाई नमस्कार, नमस्कार। और सवनम एम एस धोनी, एम एस डी जर्सी नंबर 7 संगू। ओके वेरी गुड, सुपर। ओके आ रहा, ओके। सो गाइस याद रखना, पोकर स्टार इंडिया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सो गाइस राहुल द्रविड़, विराट कोहली, एम एस धोनी, सौरभ गांगुली या नॉन ऑफ दीज। सो गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या है भैया? तो आप सभी को पता होगा एमएस धोनी। एमएस धोनी इज द करेक्ट आंसर गाइस। किसके? तो पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। एग्जैक्टली। हाय यस, प्रणाम प्रणाम, क्या हाल चाल है भाई? और गाइस प्लीज सेशन को शेयर कर दो एक बारी, फटाफट सेशन को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी ताबड़तोड़ तरीके से सेशन को शेयर करो। हाय हेलो संगम, या एम संगम का जवाब है एमएसडी, प्रणाम संगम, प्रणाम। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फटाफट, टॉप 20 एमसीक्यूज है गाइस 20 मिनट में अगर देखा जाए तो। अगर आप जल्दी जल्दी जवाब दोगे तो ये सेशन आधे घंटे के अंदर एंड हो जाएगा। हाय रविंद्रनाथ सर, हेलो, हाय, कैसे हैं सर? आपका पहले तो स्वागत है, ठीक है। देवघरिया, ओके रविंद्रनाथ सर, आपका स्वागत है, हेलो, कैसे हैं सर? स्वाति गौर का जवाब आ रहा है हरभजन, सबनम मैम डी, हरभजन सिंह, प्रद्युमन गुप्ता सर बोल रहे हैं हरभजन, काजल कौशल बोल रही है डी हरभजन, सबनम कौशल, काजल कौशल, एनीवे बहुत अच्छा है। आजिए मैम, काजल मैम आपका स्वागत है, विवेक काजल, एग्जैक्टली, स्टैनी डी हरभजन। गाइस ई बाइक गो, गाइस ई बाइक आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल है, टू व्हीलर है, जो गाइस इसका अभी इंडिया, अभी आपने देखा होगा दिल्ली में, अगर आप अच्छा रथिंद्रनाथ, ओह सॉरी सॉरी रथिंद्रनाथ सर, सॉरी यार, एक्चुअली में क्या है कि हम अभी पढ़ रहे थे आपका कमेंट, लिखा था सर रवि नहीं रथिन है। ओके अच्छा, सवनम एंड काजल दोनों सिस्टर्स हैं, ओके, आप सबका स्वागत है सर। ओके एनीवे गाइस, एक ई बाइक गो गाइस, आपने दिल्ली, आपने दिल्ली का देखा होगा, दिल्ली में गाइस अगर आप जाओगे 12 खंबा रोड मेट्रो पे बाहर निकलोगे, सो गाइस आपको वहां पे ई बाइक मिलेंगे किराए पर आप घूमने के लिए। सो गाइस आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है ई बाइक गो एक्चुअली कंपनी है गाइस, याद रखना, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया। सो गाइस याद रखना हरभजन सिंह, हरभजन सिंह गाइस किसके ब्रांड एम्बेसडर है? ई बाइक गो, ठीक है, याद रखना, टू व्हीलर, ई टू व्हीलर का बाइक है। सो गाइस याद रखना ई बाइक गो। ऑप्शन है विराट कोहली, नहीं रथिन सर, विराट कोहली नहीं है, इट्स हरभजन सिंह। ओके ओके, दो सोनी और आ गए, ओके अच्छी बात तो है। नेक्स्ट पॉइंट को सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो ताबड़तोड़ तरीके से फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। स्पोर्ट्स अड्डा ब्रांड एम्बेसडर गाइस, स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया है? और गाइस ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस में था, एसबीआई क्लर्क मेंस
जिसको अभी अभी क्वालिफाई किए हैं हमारे दोस्त लोग दीपक सर, सोमू भाई, इन सब के लिए गाइज ये क्वेश्चन हाईलाइट हुआ था। और आर्या, स्वाति मैम, विवेक, संगू, यस आनंद, सवनम कौशल, वेल्डन जी, ये देखते ही नींद आने लगती है। क्या बात है आशुतोष सर, कैसे बोल रहे हो यार आप। ठीक है, सो गाइज स्पोर्ट्स अड्डा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सो ब्रेटली, वेरी गुड, सुपर। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है गाइज? याद रखना, ब्रेटली। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सुपर। स्टैनी, डॉली, चेतन, एग्जैक्टली। ठीक है, सो गाइज याद करना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन हमारा, WWF गाइज, वर्ल्ड वाइड फंड, WWF अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। गाइज भारत में WWF ने किससे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? गाइज WWF याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है मेरे दोस्त, आपको याद करना है बच्चों, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और बच्चों एक चीज और याद रखना, और ये 1961 में स्टैब्लिश हुआ था 1961 में। और फटाफट जवाब दो, WWF वर्ल्ड वाइड फंड अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया किसको? माइंड मास्टर, एग्जैक्टली चेतन, प्रद्युमन गुप्ता सर, आनंद विश्वनाथन आनंद, सुपर। हाय मानसी, गुड इवनिंग, अब्दुल सिनाली सर, विश्वनाथन आनंद, एग्जैक्टली मेरे दोस्त, सुपर। सो गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज विश्वनाथन आनंद, गाइस याद रखना विश्वनाथन आनंद। और बेटू आपको पता होगा विश्वनाथन आनंद इंडिया के एकमात्र ऐसे गाइस एक ऐसे खिलाड़ी या जो भी कह लो स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी कह लो, ठीक है, जो भी कह लो, इनको सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड दिया गया किस ईयर में? गुड इवनिंग अब्दुल सर, गुड इवनिंग, अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। आशुतोष सर ग्लूकोज पी लिए क्या सर? आशुतोष सर तो हमारा हमेशा ग्लूकोज रहता है साइड में, बस अंदर से निकलने की देरी होती है, जब भीड़ ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है सर, आपने तो देखा भी होगा। या एग्जैक्टली, वेरी गुड चेतन, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों आपको याद रखना है, यही बताना चाह रहे थे दोस्तों, याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले व्यक्ति थे जो पाने वाले थे, कौन थे? विश्वनाथन आनंद। गाइज वर्ल्ड वाइड फंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में किससे अपॉइंट किया मेरे दोस्तों? विश्वनाथन आनंद, जिनकी अभी रेसेंट की बुक आई है माइंड मास्टर, ठीक है, माइंड मास्टर, जिसको हम लोग झटके में बोल देते हैं मास्टर माइंड। सो गाइज याद रखना, इनको सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मानसी बाबू अच्छा है, बहुत अच्छा है, आज उसे टीका लगाया, एग्जैक्टली पहले ये 7.5। गाइज याद रखना, अगर आपसे कभी डिबेट हो, कोई बात करे, कोई दोस्त आपसे बात करे और ये पूछे कि भाई ये बता दे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना अवार्ड दिया जाता था, सो गाइज याद करना 7.5 लाख। बट दोस्तों अब बता दें, अब इसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इस अमाउंट को बढ़ा के, ठीक है, इस अमाउंट को बढ़ा के दोस्त कितना कर दिया? 25 लाख। सो गाइज बहुत बड़ा अमाउंट है बच्चों, आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं बेटू, आपको पता होगा अगर हम आपसे क्वेश्चन करें रानी रामपाल किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? गाइस रानी रामपाल किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं और पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? सो गाइस आपको जवाब आना चाहिए, पीवी सिंधु को सबका पता होगा, रानी रामपाल का नाम बताओ। गाइस रानी रामपाल किस खेल से बिलोंग करती है? एग्जैक्टली मानसी, बहुत ज्यादा हॉकी, एग्जैक्टली हॉकी। गाइस इंडियन फीमेल हॉकी या इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है गाइस रानी रामपाल। गाइज आप सभी को याद करना, इंडियन ऐसे याद करना, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन कौन? रानी रामपाल। सो गाइज आपको याद करना, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं बेटू। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा, गाइज स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा फर्स्ट नॉन फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर, गाइज जवाब दीजिए। और बेटू प्लीज सेशन को शेयर कर दो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा फर्स्ट नॉन फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर गाइज। और यहां पे अच्छा, रोहित शर्मा, काजल मैम बी, रोहित, प्रद्युमन भाई, रोहित शर्मा, चेतन पटवाल, विवेक, चारुल, संगू, ओके यस, वेरी गुड निधि, मानसी मैम, वेल्डन आर्या, स्वाति गौर, अग्रिमा, वेल्डन बच्चे, सुपर प्रियस, एग्जैक्टली इट्स करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा। गाइज आपको याद रखना है ला लीगा, ला लीगा याद रखना। अगर यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, दो क्वेश्चन कौन सा आप ऐसे याद रखना, स्पेनी की ला लीगा इनमें से कहां की फुटबॉल लीग है? सो गाइस स्पेनिश, पहला क्वेश्चन ये स्पेन की है। दूसरा क्वेश्चन, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा ने किसको
किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सो गाइस याद रखना विराट रोहित शर्मा। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और ऐसे दे दिया जाए कि नॉन फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर गाइस, तो आपको याद रखना रोहित शर्मा, यानी कि शर्मा जी का लौंडा। सो गाइस याद रखना आपको। हेलो अंशुमन सर, हाय, कैसे है सर, तबियत कैसी है आपकी? अंशुमन सर एक बार कोरोना टेस्ट करा लीजिए सर आप। सैश्री एग्जैक्टली सैश्री रोहित शर्मा, ठीक है। सो गाइस अंशुमन सर कोरोना नहीं, एक बार बर्ड फ्लू भी चेक कराइएगा, आप चिकन बहुत खाते हो आप, ठीक है। सो गाइस रोहित शर्मा आईबीपीएस पीओ प्री रिजल्ट आ गया, ओके ओके ओके, अच्छा भाई कोई होगा तो ठीक है। सो गाइस रोहित शर्मा, एक चीज और एक क्वेश्चन और याद रखना बच्चे आप लोग ऐसे कि अभी में ये फुटबॉल लीग हुआ था जिसमें विनर कौन था, तो गाइस आपको याद रखना है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड 2020 में हुआ था गाइस, तो रियल मैड्रिड। अच्छा आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तब तो हो चुका, आज आप ही के साथ हम बैठ के खाना खाए थे, ठीक है। सो गाइस याद करना नेक्स्ट पॉइंट, UNADAP गाइस, UNADAP गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ओहो रथिंद्रनाथ सर, कोई इशू नहीं है भाई, आपका ये सारे काम करेंगे, जो जो टॉपिक चल रहे हैं मेरे भाई ये सब आपको काम करेगा रथिंद्रनाथ सर, ठीक है। फटाफट जवाब दो, UNADAP गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया गाइस? एम नेत्रा, हिमा दास, मसूर गुलाटी, अरुणिमा सिन्हा, दीपा मलिक। गाइस डॉक्टर मसूर गुलाटी कौन होंगे, फटाफट जवाब दीजिए। UNADAP के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर गाइस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNADAP गाइस? UNADAP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस, दोस्तों आपको याद करना है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस गाइस, फुल फॉर्म ऑफ UNADAP। सो गाइस हु इज द ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ UNADAP? सो गाइस याद करें इट्स करेक्ट आंसर इज एम नेत्रा, गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज एम नेत्रा। गाइस एम नेत्रा कहां से बिलोंग करती, तो आपको याद करना है तमिलनाडु। और बेटू ये क्यों हाईलाइट हुई, आपको पता है इसके पिताजी एक सलून चलाते हैं, यानी बाल काटने, एक नाई का काम करते हैं। और बच्चों इसी ने याद करना एम नेत्रा ने किया क्या था, इसके पास 5 लाख की क्या थी सेविंग थी, बट पूरे लॉकडाउन में गाइस जरूरतमंदों को इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था इस बच्ची ने। सो गाइस इसीलिए और पीएम मोदी ने मन की बात में गाइस इस बच्ची का नाम लिया था। सो गाइस ये तभी से हाईलाइट है, कौन, एम नेत्रा, कहां से है, तो तमिलनाडु से। सो बच्चों आपको याद रखना है इसका नाम UNADAP गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, यानी सद्भावना ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एम नेत्रा, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNADAP? सो गाइस यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस। और गाइस एम नेत्रा किस स्टेट से है, तो तमिलनाडु से है। सो बच्चों आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, आप पिक्चर में देख सकते होंगे एम नेत्रा को, आप देख सकते होंगे पिक्चर आपको दिख रहा होगा एम नेत्रा फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, दीपक सर एग्जैक्टली। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं गाइस, ड्रीम 11 गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रीम 11 ब्रांड एम्बेसडर गाइस, ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? MS धोनी, हरमनप्रीत कौर, सौरभ गांगुली, रोहित शर्मा या निखिल नायक? फटाफट जवाब दीजिए। निखिल नायक आईपीएल का बंदा था, आपको पता होगा अगर आपने आईपीएल देखते होंगे। सो गाइस फटाफट जवाब दीजिए। और रथिंद्रनाथ सर का जवाब आ रहा है संगू, काजल, चारुल, विवेक, आर्या, टायरो यानी अग्रिमा, संजय भाई, यस आनंद, सवनम मैम, वेरी गुड बच्चे, चेतन पटवाल, वेल डन गाइस, सुपर्ब, लगे रहिए। या एलजी एलटी कर्नल कर सकते हो चेतन, क्यों, क्योंकि पैरासूट रेजिमेंट के इनको मिला भी है। पोकिस्टा ड्रीम 11 महेंद्र सिंह धोनी, सवनम मैम, वेरी गुड, एग्जैक्टली संगू KKR में था, एग्जैक्टली बच्चे, वेरी गुड संगू, बहुत अच्छे, इट्स करेक्ट आंसर इज MS धोनी। गाइस याद करना MS धोनी, बेटू आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ड्रीम 11 ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी। और गाइस एक चीज और याद रखना, आपको ऐसे भी याद रखना है क्या कि इसी के जैसा एक और 11 है गाइस, इसी के जैसा एक और 11 है, कौन है, तो इसका नाम बता दो, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर गाइस, Who is the brand ambassador? Who is the brand ambassador of My 11 Circle? Guys, My 11 Circle. बेटू फटाफट जवाब दो। संगू का जवाब आ गया। दादा रथिंद्रनाथ देवघरिया बोल रहे हैं, सौरभ गांगुली। ओके संगू दादा, चेतन भाई My Circle का दादा है विवेक, संगू, रथिंद्रनाथ सर, गांगुली। ओके दीपक भाई
माई सर्कल, वेल डन, सुपर गाइज, बहुत अच्छे। हमें लगा आप लोग फंसोगे यहाँ पे, बट करेक्ट आंसर इज गाइज सौरभ गांगुली। अभी आपको पता होगा दोस्तों, आपको जानते होंगे, अभी हाईलाइट हुआ था इनका नाम, क्यों? क्योंकि इनको हार्ट अटैक आया था। आपको पता होगा कोई ब्लॉकेज था शायद किसी वॉल्व में, या फिर अटैक आया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इनकी तबियत खराब थी, हेल्थ डिजीज, यानी कि कोई हार्ट डिजीज था। शंकर चौहान सर एग्जैक्टली मेरे भाई। बेटू एक चीज और याद करना, आपको पता होगा सोया रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल का ये प्रचार करते थे, आपको पता होगा, और हेल्थ हार्ट के ही लिए ये प्रचार करते थे कि ये रिफाइंड यूज करो, हार्ट आपका अच्छा रहेगा, युवा रहेगा, यूथ रहेगा, ये वो फलाना डिमका दिस दैट। सो गाइस आपको पता होगा कि इसी के बाद उस एडवर्टीजमेंट को रोक दिया उसने, क्यों? क्योंकि उनको जो एडवर्टीज, जो ब्रांड एम्बेसडर था बच्चे, उसी ने क्या किया, उसी को ये प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। सो गाइस इसीलिए हाईलाइट हुआ था इनका नाम, तो आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए। या नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, एंजियोप्लास्टी हुई थी, एग्जैक्टली चेतन, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। आरोग्य सेतु ब्रांड एम्बेसडर, गाइस आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन, विराट कोहली, आमिर खान, सलमान खान या वरुण धवन? गाइस फटाफट जवाब दो, आरोग्य सेतु का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय, स्वाति गौर मैम, अजय, अजय चारुल ए, अजय देव, अच्छा अजय, ओ हम भी कंफ्यूज है, आटा माता, अच्छा अच्छा माजी सटकली, अरे यार कमेंट भी ऐसे यार। सबनम भाई, सबनम भाई नहीं सर, रहमत भाई, सबनम मैम, ओके ओके ओके, प्रद्युमन, स्टैनी, डॉली, अब्दुल सिनाली, शंकर चौहान, एग्जैक्टली गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज अजय देवगन, सबको पता होगा सेतु के नाम से आता गाइस। या ओके ओके ओके, इट्स करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट, विमल वाले, यस, ऐसे कमेंट आते हैं, बोलो जुबा के, बोलो जुबा के से, चेतन पीटे जाओगे तुम। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, हरियाणा में हरियाली, साक्षी मलिक हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच गवर्नमेंट कैंपेन? ठीक है, साक्षी मलिक हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच गवर्नमेंट कैंपेन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पल्स पोलियो कैंपेन, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत अभियान या नन ऑफ दीज? काजल मैम, सवनम, चेतन, रथिंद्रनाथ, ओके ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शंकर भाई, संगू, चारुल मैम, अब्दुल भाई, बहुत अच्छे, यस रहमत सर कहां पे हैं आप? अग्रिमा, सवनम कौशल, वेल डन रहमत भाई, बहुत अच्छे, निधि मैम, वेल डन, सुपर गाइस, वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गाइस याद रखना साक्षी मलिक, बेटू याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गाइस याद रखना, ये आया था 2015 में, और कहां से लॉन्च किया गया था? हरियाणा स्टेट से। गाइस आपको पता होगा हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट था, धर्मेंद्र यादव सर एग्जैक्टली मेरे भाई, पहले तो आपका स्वागत है सर। गाइस याद रखना 2015 में लाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन हरियाणा स्टेट से। गाइस आपको पता होगा हरियाणा एक इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट था जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ करता था सेक्स रेशियो का। गाइस आपको पता होगा सब वहां पे कहते हैं सन मेटा कॉन्सेप्ट था लोगों को, सन मेटा मतलब क्या, एक बेटे के चक्कर में दोस्तों क्या करते थे, ढेर सारी बेटियां हो जाती थी। आपको थोड़ा मजाकिया लगेगा, अटपटा लगेगा, बट एक्चुअली इसको बोलते थे गवर्नमेंट के लैंग्वेज में सन मेटा कॉन्सेप्ट। क्या बोलते थे? सन मेटा, यानी कि बेटे की लालच में, बेटे की चाह में ढेर सारी बेटियां। तो इससे क्या होता है कि वहां पर लड़कियों की यानी कि फीमेल की आबादी कह सकते हो, या जो रेशियो है गाइस सेक्स रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि कह सकते हो वृद्धि हुई है। सो गाइस ये बहुत अच्छी बात कही गई अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के। सो गाइस सन मेटा कॉन्सेप्ट जो वहां के लोगों के अंदर है, वहां के लोगों के दिमाग में है कि हमको बेटा ही चाहिए क्योंकि ये वंश को आगे बढ़ाएगा, इसके चक्कर में ढेर सारी बेटियां होती हैं तो उसमें वृद्धि होती है। सो गाइस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सन मेटा फॉलो करने वाला स्टेट या सन मेटा कॉन्सेप्ट, तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और वो है कौन सा? हरियाणा स्टेट। सो गाइस याद रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 हरियाणा। गाइस साक्षी मलिक आपको पता होगा, साक्षी मलिक ऐसे याद रखना, इन्होंने पहली महिला है, पहली फीमेल है गाइस जिन्होंने रियो ओलंपिक में, गाइस रियो ओलंपिक में क्या लाया था, तो कांस्य पदक जीता था। पहली महिला थी जो रेसलिंग में कांस्य पदक जीतने वाली थी ओलंपिक में, वो कौन थी? साक्षी मलिक, 2016 रियो ओलंपिक में गाइस, आपको याद रखना है 2016 रियो ओलंपिक में। या गुड इवनिंग तान्या, तान्या मैं ओहान मैम, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, आपका स्वागत है तान्या, फटाफट आ जाओ और तान्या जवाब देना। नेक्स्ट पॉइंट, फोन पे ब्रांड एम्बेसडर, गाइस
हु इज द न्यूली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे। गाइस फोन पे में अगर हम फीमेल ब्रांड एम्बेसडर की नाम करें, फीमेल की बात करें, तो उसका नाम बताना है बोडम का। एंड गाइस अगर फोन पे नॉर्मल ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, सो गाइस फटाफट जवाब दो। और यहां पे जवाब आना शुरू हो गया। प्रद्युमन गुप्ता सर बोलते हैं आमिर खान, संगू, रथिंद्र नासर, विवेक, स्वाति, आर्या, चारुल। ओके चेतन भाई, बहुत अच्छे। भुवन, काजल कौशल, वेल डन काजल, वेरी गुड बच्चे, सुपर, वेल डन दीपक सर, क्या बात है। आलिया भट्ट, एग्जैक्टली गाइज, एग्जैक्टली डॉली, टायरो अग्रिमा, यानी कि शंकर भाई, बहुत अच्छे। इट्स करेक्ट आंसर इज आमिर खान। आपने बेटू देखा होगा एक गबलू वाला प्रचार, गबलू गबलू। और अगर हम फीमेल की बात करें तो आलिया भट्ट, ठीक है, आलिया भट्ट को दिया गया। एंड आलिया भट्ट फीमेल में है ब्रांड एम्बेसडर, और मेल में कौन है, आमिर खान साहब। सो गाइज याद रखना है कौन, फोन पे। और भारत पे के कौन है, गाइज भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको याद रखना है सलमान खान। गाइस आयुष्मान खुराना किसके ब्रांड एम्बेसडर है, आयुष्मान खुराना और सोनू सूद किसके ब्रांड एम्बेसडर है, आपको जवाब देना है। फटाफट जवाब देना शुरू करो मेरे दोस्तों। आयुष्मान खुराना किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है गाइस। जैसे कि यहां पे हम लोग देखे सलमान खान भारत पे, नो डाउट भारत मूवी आई थी जैसा कि आपको पता होगा। आमिर खान फोन पे, ये भी पता चल गया आपका, टाटा स्काई फोन पे। और एक और है किसका, वेदांतु, ठीक है वेदांतु, हाँ आई थिंक वेदांतु ही है। एंड गाइस सोनू सूद किसके हैं, एसर के हैं सोनू सूद, और टोयोटा अर्बन क्रूजर के हैं आयुष्मान खुराना। विवेक बहुत अच्छे, फिट इंडिया मूवमेंट के हैं सोनू सूद। सवनम कौशल, हाय अंकिल, प्रणाम बाबू, प्रणाम, कैसे हो आप, आपका स्वागत है बच्चे। फटाफट आ जाओ दोस्तों, जल्दी जल्दी आ जाइए। एसर इंडिया, आयुष्मान है यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, ओके खुराना टाइटन के, ओके। सो गाइस याद रखना आपको आयुष्मान खुराना टोयोटा अर्बन क्रूजर के हैं। एंड गाइस याद रखना, और सोनू सूद है एक लुब्रिकेंट कंपनी है गाइस, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। कौन, सॉरी कार्गो कंपनी है, गार्गो के नाम की कार्गो कंपनी है, गार्गो दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है गाइस, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सोनू सूद। आपको पता होगा बेटू सोनू सूद तब हाईलाइट हुए जब गाइस इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉकडाउन में लोगों की मदद की बहुत अच्छे तरीके से। आई थिंक आप सभी को पता होगा गाइस क्या कि ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन्होंने, बहुत सारे लोगों को उनके घर पर भिजवाया। So guys, याद रखना आप सभी। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स ब्रांड एम्बेसडर, गाइज ये आपके लिए क्वेश्चन नया होगा मेरे दोस्तों, या गार्गो इंटरनेशनल, एग्जैक्टली फटाफट जवाब दीजिए। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली स्वाति मैम, इनकी बायोग्राफी थी बच्चे, आई एम नो मसीहा, एग्जैक्टली स्वाति इन्हीं की बायोग्राफी है, फटाफट जवाब दीजिए गाइज। सलमान भाई एस्ट्रल पाइप्स, माचो के कच्चे का चीतर पीटा जाएगा तू, इधर जवाब दे, ओके या सुरेश रैना में, एग्जैक्टली फटाफट जवाब दो। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स ब्रांड एम्बेसडर, फटाफट जवाब दीजिए गाइस। सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, एमएस धोनी, श्रेयस अय्यर, नन ऑफ दीज। और यहां पे जवाब आना शुरू हो गया, सवनम कौशल, रहमत भाई और रतिंद्र नासर, बहुत अच्छे रतिंद्र नास भाई, बहुत अच्छे आपके, मेरे को बार बार देख के बोलना पड़ रहा है क्योंकि रविंद्र नाम ना निकल जाए वापस से। और चेतन पटवाल, सुरेश रैना, ओके आरपी सिंह होंगे रायबरेली से, सुरेश रैना नहीं है, सुरेश रैना यहां से है, एक्चुअल देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर से, अभी गाजियाबाद से। सो गाइस याद रखना सुरेश रैना नाइन स्टैक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है गाइस, सुरेश रैना। बेटू आप सभी को याद रखना है सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, जैसे आपका पोकर स्टार है गाइस, पोकर स्टार इंडिया है, वैसे मेरे दोस्तों आपको याद कर नाइन स्टैक भी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सुरेश रैना। अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें आईपीएल में सुरेश रैना किस टीम से खेलते हैं, पहला क्वेश्चन, और सुरेश रैना ने कब, अभी सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, ठीक है सभी फॉर्मेट में संन्यास ले लिया गाइज। एग्जैक्टली दीपक भाई, ये कश्मीरी पंडित है, आपने देखा होगा गाइज, ऐसे याद कर बेटो, देखो बातों को कोरिलेट करने की कोशिश किया करो। आपने देखा होगा अभी बीजेपी के अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर में कौन, तो रैना करके हैं, आपको पता होगा रैना साहब। तो गाइस रैना जो टाइटल है ना वो एक्चुअल में बिट्टू कहां के होते हैं, तो वो आपको बता दे जम्मू एंड कश्मीरी पंडित बोले जाते हैं। और रोहित सुरेश रैना आपको पता होगा गाजियाबाद, अभी इनकी इनका खुद का एक क्रिकेट अकेडमी है जहां पे नोएडा के पास में भी है, और प्रवीण कुमार का भी नोएडा के पास में है, और गाइस इनका एक अकेडमी जम्मू एंड कश्मीर में भी है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की, गाइस ये क्वेश्चन का जवाब दो 100% मेरे बिहारी दोस्तों,
आई थिंक सबके लिए गर्व की बात है, बिहार खादी इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला खादी है मेरे दोस्तों। ठीक है, बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार, बिहार में बाहर है जब तक नीतीश कुमार है, बजरंग पुनिया, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी या लालू प्रसाद, गाइस जवाब दीजिए फटाफट जल्दी जल्दी सबके सब लोग। कालीन भैया, वेरी गुड संगू, बहुत अच्छे। सो गाइस ऐसे याद रखना कालीन, याद रखना कालीन, याद रखना का सभी याद, कालीन भैया बोलते थे ना, कालीन कालीन यानी कि ऐसे याद रखना खादी। सो गाइस याद रखना खादी, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कालीन भैया, ऐसे याद रखना। तो गाइस याद रखना इट्स पंकज त्रिपाठी। सो बेटू आपको पता बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत बहुत सिंपल पर्सन है बच्चा। बिहार खादी आपको पता होगा, बिहार में इसका एक मॉल भी खुल रहा है बच्चों, बिहार खादी का। सो गाइस बिहार आपको पता है खद्दर वाले कपड़े, दादाजी देखो या बहुत जो एजेड होगा नेता नेता टाइप के लोग जो होते हैं, ठीक है। सो गाइस याद रखना वो खादी कपड़े ज्यादा यूज करते हैं। सो आपने देखा होगा वो खद्दर बोलते हैं गर्मी में ज्यादा यूज किया था, तो वही खादी थोड़ा कॉस्टली भी आता है नॉर्मल कपड़े से, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंकज त्रिपाठी, ताकि प्रमोट किया जा सके बिहार खादी को और ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं बच्चों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपी, गाइस शॉपी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपी ब्रांड एम्बेसडर, गाइस प्लीज सेशन को लाइक कर दो मेरे बच्चों जल्दी जल्दी फटाफट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपी ब्रांड एम्बेसडर रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, ईशान शर्मा या नॉन ऑफ दीज, गाइस फटाफट जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा इस। और ये ब्रांड ये शॉपी जो कंपनी है बच्चे, ये कहां की कंपनी है, सो बच्चों आपको याद रखना ये है सिंगापुर बेस्ड, कहां की बेस्ड है, तो ये सिंगापुर बेस्ड है कंपनी शॉपी, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। और ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे एज लाइक फ्लिपकार्ट, वैसे बच्चों ये है शॉपी, शॉपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और प्रद्युमन गुप्ता सर बोल रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बेटू अगर हम आपसे क्वेश्चन ये करें रोजर फेडरर किस कंट्री से बिलोंग करता है, गाइस देखो केवल केवल टू द पॉइंट नहीं पढ़ना, थोड़ा इधर उधर भी हो जाना हमको, ठीक है। रोजर फेडरर किस कंट्री से, लियोनल मेसी किस कंट्री से, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस कंट्री से, फटाफट जवाब दो गाइस। और यहां पे सुभाष्मिता मैम बोल रही है रोनाल्डो लग रहा है सुना था, ओके, और रोनाल्डो पुर्तगीज है, जर्सी नंबर 7 लिस्बन यूरो, वेल डन संगू, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, या इट्स करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गाइस क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगीज प्लेयर है किसका, सो गाइस याद करना फुटबॉल, फुटबॉल का आपको देखा होगा बहुत लोगों का फैन, यानी इनकी रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, एक छोटा सा बच्चे से लेके 60 साल का बूढ़ा तक भी इसका फैन है, किसका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कहां का बंदे, ये फुटबॉलर है, पुर्तगीज फुटबॉलर है, पुर्तगाल का है, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है मेरे दोस्तों, लिस्बन, क्या है बच्चों, लिस्बन, एंड करेंसी इज यूरो, गाइस करेंसी इज यूरो। बेटू आपको पता होगा गोवा, गोवा में लगभग 300 से ज्यादा साल तक राज कौन किया, गाइस पुर्तगीज, इंडिया नहीं एशिया के, नहीं कह सकते एशिया के सबसे पुरानी पुर्तगीज कॉलोनी कहां पे है, तो गोवा में है मेरे भाई, आपको याद रखना है। और गाइस याद रखना गोवा को आजादी कब मिली है, 19 दिसंबर 1961, और आज आपको याद रखना है मेरे बच्चों 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। सो गाइस आपको याद रखना है लियोनल मेसी, एग्जैक्टली लियोनल मेसी अर्जेंटीना, वेल्डन विवेक, सुपर वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, एग्जैक्टली स्वाति मैम 251 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टा पर, एग्जैक्टली आशुतोष भाई जब इंस्टाग्राम ऐसा है तो आप एक्चुअल सामने आता होगा, तो बहुत डाई हार्ड फैन है इसके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं शॉपी, शॉपी ई कॉमर्स इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है लाइक एज लाइक अलीबाबा, अलीबाबा जैकमा जिसके फाउंडर थे, वैसे शॉपी है, शॉपी कहां की कंपनी है मेरे दोस्त, तो याद रखना गाइस इट्स सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एडिडास फीमेल, बेटू यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फीमेल एडिडास फीमेल ब्रांड एम्बेसडर, गाइस एडिडास फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ, करीना कपूर, हिमा दास, मानुषी छिल्लर, साक्षी मलिक, मानुषी छिल्लर, दीपक भाई, सबनम मैम, यस आनंद, स्वाति, वेल्डन आर्या, सुपर विवेक, जैसे हम लोग विराट, एग्जैक्टली चेतन, चारुल, काजल कौशल, मानुषी छिल्लर, एग्जैक्टली। सो गाइस आपको याद रखना है एक चीज और, एडिडास की कौन, मानुषी छिल्लर किस स्टेट से बिलोंग करती है, हरियाणा,
अब इसको करके कह सकते होंगे कौन कहता है हरियाणा में हरियाली नहीं भाई, ज्यादा भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, निहारिका मैम सुन रही होंगी। ठीक है, एनीवे मानुषी छिल्लर, गाइस याद रखना मानुषी छिल्लर, बच्चों आपको याद रखना है ऐसे, क्या ये मिस वर्ल्ड थी किस ईयर में, 2017 में, क्या थी मिस वर्ल्ड। और गाइस अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि पहली इंडियन, अच्छा रणवीर सिंह मेल में है, एग्जैक्टली चेतन रणवीर सिंह है, बट बदलते रहते हैं मेल में, ज्यादा लोग बदलते हैं। ठीक है, सो गाइस याद रखना, और एक चीज और याद रखना, 2017 में होगा, 2017 में होगा काजल मैम, मिस वर्ल्ड 2018 में है, 18 में या 17 में, और पहली कौन थी, पहली इंडियन कौन थी, तो रीता फारिया। वेल डन, किसने जवाब दिया, संगू एंड चेतन भाई, बहुत अच्छी, रीता फारिया। गाइस रीता फारिया किस ईयर में आई थी, तो 1966 में, गाइस 1966 में। दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, क्या बात है दीपक सर, प्यूमा की करीना कपूर है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही तो बोल रहे काजल, 2017 में 1966 में थी रीता फारिया, और 2017 में थी मिस वर्ल्ड कौन, तो गाइस याद रखना मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है एमपीएल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, गाइस एमपीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तमन्ना भाटिया, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, अनुष्का सेट्टी, आथिया सेट्टी। आथिया सेट्टी आई थिंक सबको पता होगा, आई डोंट नो विवेक, हाँ सुष्मिता सेन थी उसके बाद, या प्यूमा की तैमूर की मम्मी, अच्छा फटाफट जवाब दीजिए, एमपीएल ब्रांड एम्बेसडर तमन्ना भाटिया, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, अनुष्का सेट्टी, आथिया सेट्टी। गाइस आई थिंक सबको पता होगा क्योंकि इतना एडवर्टीजमेंट आता है इसका, मोबाइल पे यूट्यूब चलाओ या मोबाइल में कोई चीज करो तो फटाफट एडवर्टीजमेंट आ जाता है बच्चों। सो गाइस फटाफट जवाब दीजिए, और यहां पे सबके जवाब आ रहे हैं, करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। हाय श्रीनिवासा राव, कैसे सर, हेलो हाय, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। एग्जैक्टली गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज तमन्ना भाटिया, तमन्ना भाटिया इज द करेक्ट आंसर, ना इट्स करेक्ट आंसर इज तमन्ना भाटिया, तमन्ना भाटिया। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग, गाइस मोबाइल प्रीमियर लीग तमन्ना भाटिया। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, नाडा ब्रांड एम्बेसडर, और 100% जवाब आना चाहिए दोस्तों, 100% जवाब आना चाहिए आपका, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, हु इज द अपॉइंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। गाइस हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। गाइस फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी, नाडा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, ज्योति सिंह, सुनील सेट्टी, वेल डन बच्चे सबनम, स्वाति, काजल, वेल डन दीपक भाई, यस आनंद, सुबर, रतिन नासर, डॉली, वेल डन सुपर, सबको पता होगा गाइस। याद रखना नाडा किसके तर्ज पर काम करता है, तो नाडा काम करता है वाडा जैसा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। गाइस वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जैसा काम करता है कौन, नाडा। नाडा इंडिया का है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, तो न्यू दिल्ली है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और गाइस ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 में, 2005 में स्टैब्लिश हुआ था कौन, नाडा। और वाडा की बात करें तो वाडा जिसने अभी न्यूज में रहा है दोस्तों, क्यों, क्योंकि गाइस इसने रशिया के ऊपर 4 साल का बैन ठोक दिया था, पूरे रशिया के ऊपर, ठीक है, पूरे रशिया के ऊपर, पूरे रशिया, कोई भी रशिया, रशिया का कोई भी प्लेयर किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, ड्यू टू कह सकते हो ग्लिच या जो भी कह लो, कुछ इशू इन्होंने किया था, कुछ गड़बड़ी किया था, इसलिए रशिया के ऊपर 4 साल का बैन ठोका था, किसने, वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। सो गाइस याद रखना इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और 2005 में स्टैब्लिश हुआ था गाइस कौन, नाडा, या नवीन अग्रवाल इसके डायरेक्टर है। वेल डन सबनम, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती डाल दिए, मिथुन साहब किसी के नहीं है, अर्जुन कपूर भी किसी के नहीं है, शान भी किसी के नहीं है, ओके। नरेंद्र मोदी साहब तो बहुत सारी चीजों के, आई थिंक सबको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है गाइस, 100% जवाब आना चाहिए, नहीं तो समझ लो फिर गाइस, फटाफट जवाब दीजिए, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, फटाफट जवाब दीजिए गाइस। और गाइस प्लीज सेशन को शेयर करो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अंजलि को कोई नहीं भूल सकता, ओके गाइस। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, भूमि पेंडरेकर, नरेंद्र मोदी, कौन है गाइस, अमिताभ बच्चन, ओके अक्षय कुमार नहीं हो सकते,
गाइस याद रखना, अक्षय कुमार को यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जब मूवी आई थी टॉयलेट। गाइस याद रखना, जब टॉयलेट मूवी आई थी तब अक्षय कुमार को यूपी गवर्नमेंट ने अपने यहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। गाइस आपको याद रखना है, एक्चुअल देखा जाए तो देवी और सज्जनों को बनाया गया था, यानी कौन, अमिताभ बच्चन साहब को गाइस स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। याद रखना अमिताभ बच्चन साहब गाइस याद रखना डीबीटीएल के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी याद रखना डीबीटीएल। आपने देखा होगा घर में आपके सब्सिडी आती है सिलेंडर की, सो बेटू आपको याद रखना है ये सिलेंडर वाला सब्सिडी के भी। आपको पता है, आपको मजे की बात बता दें, अमिताभ बच्चन साहब भी गैस की सिलेंडर सब्सिडी लेते थे सिलेंडर्स की, तो मोदी जी ने बुलाया और बोला यार आप तो छोड़ दो, आपको जरूरत क्या है पैसे की, 160 रुपए की, 140 रुपए जो भी है अभी में। सो गाइस इन्हें इसीलिए इनको बोला गया, आप जब बोलोगे लोगों से तो लोगों के अंदर कहते हैं ना मोटिवेशन हाई होगा अवेयरनेस के लिए, तो इन्हीं को ब्रांड, ऐसा था नहीं, इन्होंने बोला नहीं था, बट एक कहने का तरीका है, कहने का मतलब याद रखना इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्वच्छ भारत अभियान का। सो गाइस याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड एक और है गाइस, बंद दरवाजा एक कैंपेन है बच्चों, क्या दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गाइस याद रखना दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ये भी कैंपेन किसका था, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है गाइस, तो इसके भी ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन साहब। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया गाइस, एमपी गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, गोविंदा, अर्जुन कपूर या नन ऑफ दीज। और श्रीनिवासा राव का जवाब आ रहा है गोविंदा, क्या बात है चीची। प्रद्युमन गुप्ता चेतन, ओके अगेंस्ट ओपन डिफिकेशन, एग्जैक्टली चेतन, इज्जत घर एग्जैक्टली संगम, बहुत अच्छे स्वाति मैम, सवनम, अग्रिमा, निधि, रमत भाई और वेरी गुड संजय, ज्योति मैम, चारुल, वेल्डन, काजल, सुपर विवेक, स्टैनी भाई, बहुत अच्छे यशानंद, इट्स करेक्ट आंसर इज गोविंदा। गाइस आपको याद है स्टेट वाइज ब्रांड एम्बेसडर भी क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाता है, याद रखना गाइस स्टेट वाइज, इट्स करेक्ट आंसर इज गोविंदा। गाइस याद रखना एमपी मामा जी का स्टेट एमपी। और बेटू अभी आपने देखा होगा एमपी में कई जगहों पर कौवे यानी क्रो की डेथ हो रही है ड्यू टू, आपको पता होगा बर्ड फ्लू। और गाइस आपने देखा होगा एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने सारे बॉर्डर को बंद कर दिया है, किसके लिए, तो चिकेंस और जो भी है चिड़िया पक्षी यानी इन सब के लिए अब कोई व्यापार नहीं होगा एक सर्टेन टाइम के लिए गाइस याद रखना, क्योंकि बेटू एमपी में बहुत बुरी तरीके से पक्षी कहते हैं ना संदेहास्पद तरीके से, यानी कि डाउट कंडीशन, ऐसे कंडीशन में डेथ हो रही, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बेचारे बैठे बैठे नीचे मर जा रहे हैं। सो गाइस वही चीज है, अभी एमपी गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव आया, और गाइस एमपी गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट है जिसने लव जिहाद के ऊपर कानून लागू किया। गाइस याद रखना लव जिहाद के ऊपर कानून लागू किया किसने, एमपी गवर्नमेंट ने, याद रखना H5N8 वायरस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्किम गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया गाइस, सिक्किम गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे सेलेक्ट किया गाइस, सिक्किम गवर्नमेंट गाइस एआर रहमान, इरोम शर्मिला, मैरी कॉम, शंकर महादेवन या जॉन अब्राहम। हाय अनु, अच्छे बच्चे, हाय हेलो, कैसे हो बाबू, आप कैसे हो, हम तो अच्छे हैं आपके सामने हैं, हम तो डेली मिल रहे हैं, आप ही गायब हो जाते हो अनु। काजल एआर रहमान, संगू ए, चेतन भाई, चारुल, वेल्डन सवनम, बहुत अच्छे, सुपर निधि मैम, वेल डन, सुपर संगम, क्या बात है स्वाति, करेक्ट आंसर इज एआर रहमान। आपको पता होगा इनका नाम क्या है, किसी को बता दें इनका ओरिजिनल नाम क्या था, किसी को ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। आर्या कहां, तुझे इग्नोर कहां कर रहे हैं, तेरा जवाब ही दिख नहीं रहा मेरे को, कमेंट ही नहीं दिख रहा है, एक दो कमेंट आता है मुंह लाल की रहती है। ओके फटाफट जवाब दो आर्या, जवाब दो, सिक्किम गवर्नमेंट ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, एआर रहमान को। गाइस इनका नाम क्या था, एक्चुअल नाम क्या था, दल्ले खुर्सानी को जीआई टैग मिला, प्रद्युमन गुप्ता सर, एग्जैक्टली। सिक्किम गाइस याद रखना, सिक्किम में एक नेशनल पार्क है बड़ा फेमस है दोस्तों, उस नेशनल पार्क का नाम क्या है गाइस, सिक्किम के एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गाइस कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम का बड़ा फेमस नेशनल पार्क है। दिलीप कुमार श्रीनिवासा, वेल डन, सुपर दिलीप कुमार,
याद रखना दिलीप कुमार इनका नाम था, एक्चुअल नाम था, इन्होंने अपने आप का नाम रख लिया इनका एआर रहमान। अब क्या कैसे क्या था बहुत ज्यादा कहानी है, आप चेक कर लेना एक बारी। और गाइस याद रखना कंचनजंगा और दूसरा चीज दल्ले खुरसानी को, दल्ले खुरसानी को जीआई टैग दिया गया गाइस, आपको याद रखना है। दल्ले दिलीप करके नाम था इनका शायद, एग्जैक्टली दीपक भाई चेतन नहीं देना कुछ। अच्छो आर्या आर्या पढ़ाई कर या जैविक खेती गाइस, ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला स्टेट, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला इंडिया का सबसे छोटा स्टेट में अगर बात किया जाए तो गाइस कौन आता है, सिक्किम आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गाइस सिक्किम का नाम लिया जाता है। पेक्योंग एयरपोर्ट है संगू, वेल्डन बाबू सुपर बहुत अच्छे। स्वाति मैम बोल रही है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला स्टेट है सिक्किम, और पहला यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, सुपर। एक भारत श्रेष्ठ भारत पेयर बनाया था दीपक सर, एग्जैक्टली दिल्ली और सिक्किम ने, सॉरी लक्षद्वीप, सॉरी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, एग्जैक्टली स्वाति सॉरी। स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, एग्जैक्टली चेतन ये भी आपका करेक्ट आंसर है बच्चे, आपको इसको कोरिलेट करके पढ़ना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तेलंगाना गवर्नमेंट ब्रांड एम्बेसडर गाइस, तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनमें से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और यहाँ पे जवाब आ रहा है काजल ने सबसे पहले जवाब दिया, सानिया मिर्जा, निधि गौर, अग्रिमा मैम ए, अच्छा ओके संगम आर्या, ओके चारुल रहमत भाई, दीपक सर वेल डन, शास्त्री सुपम, निधि वेरी गुड आर्या, सुभाषमिता सुपर, प्रद्युमन भाई बहुत अच्छे, सबको पता है वेल डन गाइस, क्या बात है। वो कहते ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, आज सब लोगों ने जवाब दिया। सोएब मलिक के हम सफर अर्धांगिनी बेटा, अरे बस कर, इट्स करेक्ट आंसर इज सानिया मिर्जा गाइस, याद रखना सानिया मिर्जा तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना की गवर्नर याद रखना फीमेल है, इनका नाम क्या है इनके गवर्नर का नाम। और गाइस यहां से एक फेस्टिवल का नाम बता दो, एक फेस्टिवल का नाम बता दो जल्दी जल्दी, ताबड़तोड़ तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से एक फेस्टिवल का नाम बताना है मेरे दोस्तों। और यहां के गवर्नर कौन है, तमिल साई सौंदरराजन जो महिला है, आपको याद रखना है तमिल साई सौंदरराजन, वेल डन गाइस, सुपर मेरे दोस्तों, वेरी गुड तमिल साई सौंदरराजन, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छे बेटू। आप हमेशा याद रखना जब कोई 3-5 करे ना, आप इजी क्वेश्चन करना और थोड़ा सा ही अरे रथिंद्रनाथ सर आपका नाम गड़बड़ नहीं होगा, आप सही जवाब दे रहे, कासूड रेड्डी वनस्थली एंड मुर्गावनी, एग्जैक्टली संगम बहुत अच्छे। फ्लेमिंगो तो आंध्र का है, एग्जैक्टली फ्लेमिंगो गाइस नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में आंध्र प्रदेश का। बथुकम्मा एग्जैक्टली चेतन, अच्छा चारुल वेरी गुड, बथुकम्मा बच्चों आपको बता दे बथुकम्मा एक फेस्टिवल है, बथुकम्मा जो नवरात्रि में स्टार्ट होता है नौ दुर्गा में। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, 3 मार्च मींस तेलिया रुमाल को जीआई टेक तेलंगाना, एग्जैक्टली बथुकम्मा एक फेस्टिवल है जो फूल का फेस्टिवल होता है जो नवरात्रि के टाइम पर पूरी तरीके से सजाया जाता है। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा दोस्तों। और बेटू फटाफट सेशन को लाइक कर दो आप सभी जल्दी जल्दी, और बेटू आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा एसएससी सीजल 2020 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और 18 जनवरी से गाइस जहां पे आपको 250 से ज्यादा लाइव क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टी जैसा कि आपको पता होगा सारे लोग हैं, हमें छोड़ दो तो बाकी लोग हैं, हम तो इसमें एसएससी में लेंगे नहीं, बैठा जीके लेके आएंगे क्लास, 150 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, डाउट सेशन होगा, 200 प्लस पीडीएफ मिलेंगे, और इंटरेक्टिव क्विजेस मिलेंगे अप्रॉक्स 3000 प्लस एमसीक्यूज। सो गाइस आप लोग एग्जाम पास ऐप डाउनलोड कर सकते हो, 15% का ऑफ भी चल रहा है लाइव बैच में, सो गाइस आप देख सकते हो। सो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको सेशन मजेदार लगा होगा और नई चीजें देखने को मिली होंगी। सो बेटू आप सभी डेली के डेली आओ सुबह 8:30 बजे डेली के डेली एंड रात के 9 बजे। सो गाइस कल वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी ऐसे ही स्टैटिक पार्ट 2, ठीक है। सो गाइस तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर। और गाइस प्लीज सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और जो हमारे नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। कल बैंकिंग अवेयरनेस होगा चेतन, चलो कल बैंकिंग होगा, ओके ओके सोनम, मॉर्निंग में मिलते बच्चे। यार रथिंद्रनाथ सर हमेशा ये आदत सी हो गई है सर, आप लोगों की वजह से हो जाता है। ओके श्रीनिवास साहब वीकली सेशन लाएंगे, अच्छा है चेतन भाई, बहुत अच्छा है, आज तो उसको टीका लगी है तो थोड़ा शांत है भाई साहब।
श्रीनिवासा सर पक्का वीकली आएगा, सैटरडे को आएगा, डोंट वरी सर, निश्चिंत रहिए आप। ओके गाइस बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, सबका खैर।